अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां, प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा हर दफ़ा हर नए प्रोग्राम में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक सक्सेस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में आते हैं। इन्हीं में से आज एक शख्सियत जिनको मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत ही वर्स ट्रायल शख्सियत है, बहुत ही डायनामिक शख्सियत के मालिक है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर है। एक सबसे पहले वो एक आर्थोपेडिक सर्जन है, एक राइटर है, एक पोइट है और सबसे बढ़ के एक अच्छे इंसान और मिलनसार है। और अगर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिसको सबसे ज़्यादा कदर की नगाह से देखा जाता है उस शख्सियत को, क्योंकि उनकी खिदमत ना सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री के लिए है, पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी है और पाकिस्तान की तमाम लेजेंड्स के लिए भी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं है, वो खुद बहुत बड़ी शख्सियत है। आज जब मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके सामने सोच समझ के बोला जाता है। क्योंकि अगर आपने उर्दू अदब सीखना हो, अगर आपने किसी चीज़ को प्रेजेंट करना हो और अगर आपने किसी चीज़ के अदाब में अदब के साथ चलना हो, तो उन शख्सियत से बढ़ के कोई नहीं चल सकता। मेरे उस्ताद की जगह भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। आप समझ गए होंगे, वन एंड ओनली डॉक्टर उमर आदिल साहब। जी हाँ, मैं डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ मौजूद हूँ। आज हम जानते हैं डॉक्टर साहब की ख्वाबों से तबीयत तक की ये सफ़र की कहानी, कि डॉक्टर साहब ने कहाँ से स्टार्ट किया और आज अल्लाह पाक ने जो उनको शख्सियत दी है, जो नॉलेज है उनके पास और जो इज्जत वो दूसरों को देते हैं, ये सब क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। डॉक्टर साहब, मेरे लिए आज बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे बहुत इंस्पायर हूँ और मैं सोचता था कभी कि मैं डॉक्टर उमर आदिल साहब से मिलूँगा। बिकॉज डॉक्टर साहब, मैंने पर्सनली आपसे बहुत कुछ सीखा है, बैठना, उठना, ओढ़ना, बिछोड़ना, बात करने का फ़न, ये अल्लाह पाक ने सारा हुनर आपने दिया है। उर्दू अदब आपसे ज़्यादा अदायगी शास्त्री के साथ कोई नहीं कर सकता। इतनी तारीफ ना कीजिए कि मैं मुँह ही ना खोलूँ और शर्म के मारे भूलूँ ही ना कि कहीं इतनी तारीफ के काबिल ना रह जाओ लोगों की नज़र में। एक तो बात यह है, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझसे कुछ सीखा। ये सिलसिला चलता रहता है, हमने भी किसी से सीखा, हमने भी किसी को बोलते देखा तो सोचा कि ये बोलना ऐसा है कि ये दिल पर पड़े हुए बोझ को उठा देता है। ये भी सोचा कि अगर अपनी ज़बान के साथ सच्चे नहीं होंगे तो फिर किस ज़बान के साथ सच्चे होंगे। मेरी उर्दू के लोगों को बहुत तनकीद की जगह मिलती हैं कि भाई इतनी मुश्किल ये ऐसी क्यों बोलते हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया का वाहिद एक मुल्क है जहाँ उर्दू न सिर्फ सरकारी ज़बान है बल्कि राबते की ज़बान भी है। अगर यहाँ नहीं बोली जाएगी तो बताइए दुनिया के किस मुल्क में बोली जाएगी। इसका मामला अंग्रेज़ी की तरह नहीं है कि हर जगह बोली जा सकती है। सो हमें अपनी पहचान अपनी ज़बान के ज़रिए कायम रखनी है और उसको मजबूत करना है। एक बात से कहूँ, आपके इंट्रोडक्शन में एक लफ्ज़ आपने गलत बोला है, वो है ओढ़ना और बिछोड़ना नहीं, ओढ़ना बिछोड़ना। तो देखिए, किसी वक्त की तस्वीर की जा सकती है। जी बिल्कुल। और मैंने सोचा कि अगर कई तरह के लोग प्रोग्राम देखेंगे तो कहेंगे कि शायद मियां ने डॉक्टर उमर आदिल के सामने बैठे एक नया लफ्ज़ ईजाद किया है और डॉक्टर साहब चौंके रहे। तो मैं चौंका भी हूँ और मैंने उसकी दुरुस्तगी भी फरमाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा किया आपने। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब इतने सीनियर बंदे हमारे सामने बैठे हो तो मुझे अपने वर्ड सोच सोच के बोलना पड़ेगा। नहीं, बताना नहीं, बात भी नहीं है डॉक्टर साहब।
बाय प्रोफेशन तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, जितनी चीज़ें मैंने की आप डायनामिक तो है ही, उसके अलावा वर्सटाइल भी है, डर सब भी पॉइंट, और फिर ये सारा फिल्म इंडस्ट्री और ये सब फनून लतीफ़ा, ये सब थोड़ा सा शौक था आपका कि आपको स्टडी किया कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नेम है ख्वाबों से तभी, तो थोड़ा सा पीछे जाने में कोशिश करूँगा माजी में, ये कैसे सब कुछ है? ये बड़ी आसानी से, ये सिर्फ एक चीज़ की आपको रियलाइजेशन होती है कि जिंदगी एक ही दफ़ा मिली है, इसे एक ही दफ़ा में कई तरह से कई बार जीना है। ये मुमकिन नहीं है कि इस दफ़ा जिंदगी मिली है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाइए, अगली दफ़ा जिंदगी मिलेगी तो कुछ और जाएगी। मियाँ, जिंदगी को पैरेलल लेके चलना है, तमाम सलाहियतें जो अल्लाह ने आपको दी है, तमाम शौक जिसकी तौफीक आपको मिली है, कोई भी पेशा जिसको आप अपनाते हैं और उसके अलावा भी जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उन सबको आपने एक साथ लेके चलना है। अपने साथ सबसे बड़ी ज्यादा हम ये करते हैं कि जब हम एक शोबे से मुतालिक हो जाते हैं तो सोचते हैं कि इसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है और कुछ करना हराम है, बल्कि अगर कोई और शख्स भी अपनी जात के अंदर छुपी हुई तमाम सलाहियतों को बुरे कार लाना चाहे तो हम तंकीद करते हैं, हंसते हैं उस पे, क्रिटिसाइज करते हैं। अरे मैं सोचता हूँ क्या कमबख्तो, तुमने तो कभी उस गिफ्ट बॉक्स को खोला ही नहीं जो अल्लाह ने तुम्हें अपनी जात और शख्सियत की शक्ल में दिया था, डरते रहे कि या अल्लाह इसमें से पता नहीं क्या निकल है जिसे हमें कल कर आपको इस्तेमाल करना पड़े। आज भी लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो मैं सोचता हूँ प्रैक्टिस करने की शायद क्या है कि जिंदगी में बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दें, तो मैं उस आगे से मुझे सवाल करते मैं कहता हूँ आपने जीना छोड़ दी है, उन बेवकूफों को समझ नहीं आती ये कहाँ लिखा है कि एक शख्स अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ 10 चीज़ें मुलाकात नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है हुजूर वाला, जिंदगी के अंदर फाल साल इतने थोड़े हैं, जवानी कितने दिन का नाम है, जब तक हाफिजा कायम है, नज़र कायम है, हाथों में ताकत है, उन दिनों में भी अगर आपने अपने तमाम शौक पूरे नहीं किए और उन उस जो भी आपके शौक हैं उनको जरिया मुआश बनाइए। मैं टेलीविजन करता हूँ तो लोग मुझ पर कहते हैं अच्छा आप तो टेलीविजन ही करते रहते हैं, मैं कहा जी हलाल कमाई का बड़ा सफाई का मेरा शौक भी पूरा हो रहा है, एक दुनिया से वाकफियत पैदा हो रही, और क्या उसका असर मेरे पेशे पर होता है? एक बहुत पॉजिटिव असर होता है। बाहर तो ये समझने की बात है, हमें इस चीज से आगे निकल जाना चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ एक काम करने के हम आए थे, हम वो काम कर रहे हैं, और अगर हमने म्यूजिक सुन लिया तो हम कहें नहीं 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 हम सीरियस डॉक्टर नहीं है, हमने शेर कह दिया तो शायद ये डॉक्टरी के मयार से नीचे गिर गए हैं। अरे छोड़िए, दुनिया के अजीम तरीन लोग वो थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की, मगर उनकी जिंदगी पढ़िए, उनको फनून लतीफ़ा से, परफॉर्मिंग आर्ट से कितनी दिलचस्पी थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बचपन में जाना चाहूँगा, यादों में बचपन से, बचपन की याद थोड़ा सा बताइए हमें, नाज़रीन जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कहाँ पर ये सब कुछ, यानी कि किस तरह से आप डॉक्टर, ये थोड़ा सा स्ट्रेस पीरियड था। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, मैं हर बंदे को एक बात कहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनिए जी प्लीज, अगर आपने औलाद पैदा की है तो आपकी इस बुनियादी जिम्मेदारी औलाद को पहले 10-12 साल मुकम्मल मोहब्बत तवज्जो और हिफाजत देने की, मेरी बात पे गौर कीजिए, तवज्जो मोहब्बत और हिफाजत। हमारे मुल्क में बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह इन तीन चीजों में कमी है। मेरे वालिदैन ऐसे खुशबख्त थे कि उन्होंने ना मोहब्बत में कमी रखी, ना तवज्जो में कमी रखी और ना ही हिफाजत में कमी रखी। हिफाजत का मेरा मतलब जरूर समझिए, बच्चों को अपनी नजर के सामने, अपनी सुपरविजन में, अपने घर में, हमें कभी एक रात की इजाजत नहीं थी कि ये कहा जाए कि तुम किसी के हाथ जाकर रात गुजार दो, और आज मुझे समझ आता है कि इसके पीछे क्या रास था। बाहर तौर मेरे वालदैन अपने अपने तौर पर कमाल टैलेंटेड लोग थे, इंतहाई हर बंदे को अपने माँ बाप से रखते। मेरे माँ बाप ने सबसे बड़ी शर्त एक रखी थी कि जो मर्जी करो एज लॉन्ग एज तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो। अच्छा, मेरी पढ़ना बहुत आसान था, मुझे अपने स्कूल से मोहब्बत थी, असाथा से मोहब्बत थी, मुझे अपनी पढ़ाई से मोहब्बत थी, मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, मेरे वालदैन बहुत खुश थे। उसके बाद उनकी तरफ से कोई कैदोबंद नहीं थी किसी किस्म की भी, मुझे आज तक नहीं याद कि मेरी वालदा ने या मेरे वालद ने मुझे किसी काम से मना किया। और जब आप मना नहीं करते तो आपकी जिंदगी आसान रहती है। बार बार अगर बच्चों को ये कहें कि खबरदार तुमने म्यूजिक सुना, खबर तुम शजरे ममनुआ बन जाएगा, और शजरे ममनुआ की जो कशिश है वो सबसे ज्यादा होती है, और जब उस कशिश को आप इस्तेमाल करते हैं उस तक पहुंचेंगे टेढ़े रास्तों से, उसका क्या फायदा है। जब आप बच्चों को प्रमोट करने देते हैं कि वो जो चीज़ पसंद करें उसके बाद उसके बारे में पढ़ें,
आज मुझे याद आता है कि जो कभी एक गीत का मुखड़ा कभी मेरी मालिका ने मुझे ये बताया कि भी मेरी जवानी में ये गीत था, आज लोग मुझे उसका एक्सपर्ट समझते हैं। मुझे अरे बहुत सारी मिसालें हैं। मेरी अम्मी कहा करती थी कि मैंने तुम्हें एक सतर पढ़ाई, तुमने उसकी दास्तान बना दी। वहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि आप बच्चे को क्यों दीजिए एक सतर, दीजिए कि भाई ये लाइन है, उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ बात पहुँचती। फिर हमें किसी से मिलने की ममानियत नहीं थी। ऐसा मतलब लोग समझते हैं अरे भाई ये तो मुगलनियाँ हैं, इनके हाथ में जाएंगे, और गाने वालियों को कैसे कैसे नाम देते हैं जी। मेरी जिंदगी में जिस औरत ने मेरे जहाँ को मुनव्वर किया है वो वही है जिन्होंने कई जहाँ मुनव्वर किया, और इसमें बाबा सम्मा है, उनका नाम नूर जहाँ है। नूर जहाँ वही है ना कि पूरे जहाँ को नूर से भर दे। तो नूर जहाँ ने सिर्फ एक जहाँ को नहीं, हम जैसों के कई लोगों के जहानों को मुनव्वर किया। और ये उनके नाम रखने वालों को शायद अंदाजा नहीं था कि ये औरत इतने लोगों की दुनियाएं रोशन करेगी। कैसे रोशन की जाती है, मैडम एक गाना गाती है, पता नहीं चलता है कि इसके पीछे जो भी कार्रवाई है, जब हम उसका शिकार होते हैं तो उस वक्त समझ आती है अच्छा ये कह रही थी, ये कह रही थी। आज भी आप इस मुल्क में आए हुए, किसी पुरानी जगह जाइए और आपको लगेगा कि अगर पहले कभी वहां आए हो तो आपके लबों पे आ जाएगा ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से, ले आई कहां पे, किस्मत हमें कहां से। हुजूर वाला जिंदगी की हर सिचुएशन के लिए मैडम का गीत मौजूद है, और उस सिचुएशन को मजीद इंटेंसिफाई करने, मजीद पुरलुत्फ बनाने और मजीद गुदास बनाने के लिए काम। तो कहने का मकसद ये है बचपन में बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, परमिशन दे कि वो अपनी तकमीले जात कर सकें, उन पे कैदो बंद मत लगाएं। आपकी सुपरविजन में, आपके घर के आंगन में बच्चे जो कर रहे हैं उसमें से अच्छाई निकले, आपकी नजर से दूर किसी और के घर में वो जो कर रहे हैं वो तबाही का बायस है। जी नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं डॉक्टर उमर आदिल साहब की, जो हमारे साथ हैं, हमारी खुशकिस्मती है। हम मिलते हैं आपके दिस शॉर्ट ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब फिल्म इंडस्ट्री से आपका इतना लगाव, इतना प्यार, इतनी शफकत, बात भी वही आ जाती है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं हमेशा ये देखता था कि हम रिडिक्यूल करते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को। फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिका लोगों ने हमारी जिंदगियों के अंदर रंग उठाया है, मौसीकी भरी है, रोशनी भरी है, सबक भरे हैं, बहुत अच्छे मुकालमे भरे हैं, कहानियाँ भरी हैं, लेकिन हम लोग ऐसी नाबकार कौम हैं कि आते जाते उठते बैठते उनको गालियां देंगे ये बड़ा फिल्मी है, इनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, अरे ये औरत तो देखे ना ये कैसे फिल्मों में आती है, इस कदर बड़ी मुनाफिकत, इस कदर बड़ी मुनाफिकत है। मेरे बचपन में हर शो पे तीन शो हुआ करते थे, सिनेमा भरा हुआ होता था, मगर मुआशरे ने अपना रवैया उन लोगों के साथ सही नहीं रखा, इसीलिए आपकी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। जिस चीज़ को आप परवरिश नहीं देते, परख नहीं देते, क्या होगा वहाँ पे, एक बात। दूसरी बात सर ये है कि जब मैं लुक बैक तो मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री की जो आर्काइविंग है उसके बारे में जो भी मालूमात रखनी है या उसकी यादें जो हैं वो लोगों ने बड़ी आसानी से भुलाई, बहुत आसानी से भुलाई, भूल गए बल्कि लोग भूल गए हैं, और वो एक बहुत बड़ा फनी और तकनीकी सरमाया है इस मुल्क का जो हमारे पास है। आज हजूर बुरा मानी का मैं बात आपको कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिजी ड्रिंक कंपनियां हैं जो अपने लिए बड़े बड़े म्यूजिक के प्रोग्राम बनाती हैं, स्टूडियो सजा रखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इनको बहुत बुरा समझता हूँ। आज 50-50 साल बाद वो 200 साजों के साथ और 25 गुरुकारों के साथ जो आज का नया गुरुकार गाना गा रहा है वो कौन सा गाना है, आपका फिल्मी गीत, फिल्मी गीत जो आपके फिल्मी गीत गाने वालों ने आपके लिए गाया, यकीन कीजिए उन्हीं चीजों को जो एक खास मुकद्दस दर्जा पा चुकी हैं उनको पामाल करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप यकीन कीजिए अभी कुछ दिन पहले मैंने उसमें एक गजल फैज साहब की सुनी जो अलाउद्दीन साहब पे पिक्चराइज हुई थी, मेहदी साहब ने गाई थी, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले। हजूर वाला मैंने उसके गाने वाले को, जो कि बहुत ही अच्छा बच्चा और सादतमंद है और मुझे बड़ी मोहब्बत है उससे, अली सिटी से, मैंने उसको कहा मियाँ तुम्हारे गाने तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारी इस पूरी चीज़ को जब मैंने सुना मेरा दिल किया कि फैज साहब के मिसरे को बदल दिया जाए, और वो कैसे बदल दिया जाए, फैज साहब ने लिखा गुलों में रंग भरे बादे नौबहार, मैं कहा गुलों से रंग उड़े और बादे नौबहार उड़े, समझाइए तो बिल्कुल ऐसी हुआ। आज तक का फिल्मी गीतों को ही गा रहे हैं और साथ फिल्म संगीत को बुरा कहते, हर वक्त बुरा कहते, सर ये कहाँ की मुनासिब बात है, मुझसे ये मुनाफिकत नहीं होगी।
मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने फिल्मी सनत से मुतालिक लोगों की दास्तानें और उनके कारनामों को बयान करने के नाम दिए। मैंने घंटों की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं लाहौर एज ए फिल्म सेंटर पे, जिसका नाम निगार खाना था, फिर साल ब साल के साथ उसके अवार्ड्स होते थे, बिल्कुल बेशुमार अवार्ड्स होते थे, मगर आप क्या किसी को क्या अवार्ड देंगे, आप मेरी संस्था को कौन सा अवार्ड देंगे जो उनके फन की सही कदरदानी हो। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इतने बड़े फनकार आए शादियाँ कि उन्होंने वार्ड रिसीव करके वार्ड को इज्जत अफजाई दी, यकीन कीजिए उनकी इज्जत वार्डों को महूने मिले अवार्डों को। अब मैडम मुझे आपको क्या जरूरत है अवार्ड, कौन सा अवार्ड देंगे आप, कौन सा अवार्ड देंगे आप उनको जो कि उनके फन और सलाहियत के मुताबिक हो। हजूर वाला इन सब चीज़ों का जो इनाम है वो मखलूक खुदा देती है। हमारी और आपकी जिंदगियाँ अगर मुख्तलिफ हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मलका तरन्नुम के गीत हमारी इज्तमाही कौमी जिंदगी का पस मंजर मौसीकी है। हमारी खुशियाँ, हमारे गम, अभी तक उनकी गजलें सुन के भाई आज मेरे बच्चे सर, आजकल आपको पता है कि फैज फेस्टिवल हो रहा है, जी हां जी हां। अच्छा माशाल्लाह फैज साहब का सिलसिला अब उनके खानदान के लिए सिलसिला फैज बन गया है, वो बाकायदा है, वो जो सिलसिला है नक्शबंदिया कादरिया का होता है, उसमें आप पता है मुजावर हर जगह बैठ जाते हैं और मुजावर सारे दिन की रोजी रोटी होती है, वही उसमें मैं कहता हूँ ये फैज साहब का उर्स है जहाँ पे सिलसिला है फैजिया का फैज आम हुआ है। बोला ना माने मेरी बात का, मैं कुछ सच बात कह रहा हूँ, ये तो आपकी खूबसूरती है, ये तो आज सारे मुजावर बन के खा रहे हैं उनको और ट्रेंड बन गया। मैंने कहा तरन्नुम नूर जहाँ वो खातून थी कि जब फैज साहब एक मातूब व मगजूब साजिश केस के कैदी 5 साल की कैद तरहाई में साहिब मंटगुमरी की जेल में बंद थे, इस औरत ने तब इस शायर का कलाम चुना, एक नज़्म निकाली, उसकी धुन भी खुद बनाई कि किसी मौसीकार के ऊपर कोई पैरोबंद ना आए और जाके रेडियो पाकिस्तान के फंक्शन में गाई। सर फैज के ऊपर अगर किसी का फैज है तो वो मलिका तरन्नुम नूर जहाँ। सर दोनों के लिए ये बात हो सकती है, उनके ऊपर भी उनका। सर मेरी बात सुनिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। क्या नूर जहाँ की मकबूलियत सिर्फ उससे पहली सी मोहब्बत जाने से? अरे उन्होंने जो जिसको हाथ लगाया उसे सोने का कर दिया, मगर फैज ने आपको मुतारिफ किसने किया? मैडम ने। मैडम ने, तो फिर अवलीन फैज साहब का तारुफ किसने करवाया? मलिका तरन्नुम ने। तो असल में नूर जहाँ का फैज फैज साहब पे है और फैज साहब का फैज अब उनकी औलाद। डॉक्टर साहब इज्जत देना तो कोई आपसे सीखी नहीं सर, ये सब मुहावरा एक है सर, इमानदार की इज्जत है। लेकिन मैंने देखा है कुछ अरसे से हमारे जो लेजेंड्स थे जो उनको लोग भूल चुके थे, जैसे मैडम संगीता अभी भी काम कर रही है, लगा उनको सेहत बहुत अच्छी बात, मैडम अंजुमन, जेबा, बिल्कुल जेबा बेगम, ठीक है, ये सब लोगों को मैंने दोबारा से देखा है, आपने लक्ष्य किया, अपने घर बुलाते हैं आप, उनको इज्जत देते हैं लोगों को, यानी कि ये बहुत अच्छा सिलसिला है, मुझे आई अप्रिशिएट है। देखिए ये मैंने मुझे इज्जत, ये मतलब मैंने इज्जत देनी है हुजूर वाला? नहीं, ये वो लोग हैं जो भूल चुके थे, लोग भूल जाए हमारी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं अक्सर लोगों से गिला ये सुनता हूँ, डॉक्टर साहब क्या वक्त आ गया है, हमारा दौर निकल गया है, हम कहाँ जाएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपके देखने वालों को भी कहना चाहता हूँ, अपना दौर आप खुद बना सकते हैं। किसने मना किया है कि आपने किसको मिलना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है? अगर ये सब चीज़ें मौजूद हो तो यही आपका माहौल है, यही आपका दौर है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला ने खास कर्म किया कि जिन लोगों को मैं कहीं किसी ज़माने में स्क्रीन पर देखकर कहता था कि वाह वाह क्या उम्र लोग हैं, वो सब मुझसे मोहब्बत करने लगे। सर मोहब्बत हमेशा मोहब्बत को जन्म देती, मुनाफ़िकत हमेशा नफरत को जन्म देती। लव बी गेट्स लव, एब्सोल्युटली। जब आपको ये कुलिया समझ आ जाए, भाई मैं एक जमाने में समझता था कि ज़ेबा बेगम जैसा चेहरा पर मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकता, फिर दोस्त साहिबा जैसी क्या बात। अच्छा सर अब ये आलम है कि रात के तीसरे पहर ज़ेबा बेगम भी जाती होती हैं और मैं भी जाता होता हूँ, यकीन कीजिए शायद वो तहज्जुद पढ़ रही होती हैं, वो बहुत नेक खातून हैं, तो मैं उनको हल्का सा एक मैसेज भेजता हूँ कि ज़ेबा जी दुआ की दरख्वास्त। 2 सेकंड के अंदर उनका जवाब आता है, आपके लिए हमेशा दुआएं। अब इससे ज़्यादा खुशबख्त कौन होगा? आपने भी फिरदौस बेगम का नाम लिया हुजूर वाला, लोग कहते हैं कि फिरदौस बेगम ऐसी होगी वैसी होगी, अरे उनको हमारी नज़र से देखिए, नज़र नहीं ठहरती उस औरत के चेहरे पर, उनकी आंखों पर, क्या और उस करम फरमाई पर जो अल्लाह ने उनके ऊपर की है।
सर कल मैं एक शादी पे गया और शादी पे मैं दूल्हा के लिए गया ना दुल्हन के लिए गया, मैं सिर्फ इसलिए गया कि जिनकी शादी थी उनके हमसाये में बीबी फरीदा खान रहती थी और मेरा ख्याल था कि शादी में तशरीफ लाए, वो नहीं आई क्योंकि रात है और थोड़ा सा ठंड का मौसम है। सर बीबी फरीदा खानम से मिलना आज के दौर में किसी इंतहाई बरगजीदा बुजुर्ग को मिलना है, इन लोगों ने अपनी जिंदगियों से सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए आसानी पैदा की है, आसाइश पैदा की है, मेहनत की है सारी जिंदगी ताकि दुनिया खुश हो सके। सर रोज अपने गले का इस्तेमाल इसलिए कि सुनने वालों के कानों में शहद घुले, ये नेकी नहीं है, अरे ये भी खैरात है बहुत बड़ी, सुकून दिया लोगों को। हम चार पैसे देके तख्ती लगवा देते हैं कि हमने यहाँ 50,000 का अतिया दिया, ये नहायत फजूल बात है। फजूल वाला आसाइश और सुकून और खुशी अपनी सलाहियतों से भी देते हैं और कोई तख्ती नहीं लगवाते। गुलाम अली साहब है तशरीफ लाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई मेरा पूरा घर महक गया। आपने संगीता बेगम का जिक्र किया, अरे संगीता बेगम तो ऐसी खातून है क्या अगर वर्स्ट फेमिनिज्म का किसी को अवार्ड देना है, यकीन कीजिए अपनी तमाम बच्चियों को पाला पढ़ाया, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाता रहा, बेहतरीन जगह ब्याहा, उनके बच्चों को पाला पढ़ाया, उनकी शादियां की, आप यकीन कीजिए कि ऐसी हिम्मत किस औरत में हो? अभी तक स्टिल बिल्कुल। और अब मैं देख रहा हूँ अभी जो आखिरी मुलाकात उनसे मेरे चंद दिन पहले हुई, मुझे इतनी खुशी है कि माशाल्लाह सेहत इतनी बेहतर हो गई है, बाकी हालात बेहतर हो गए, बच्चे माशाल्लाह कमाल अच्छी बच्ची हैं, उनका एक दामाद है जो मेरा पेशेंट है, मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार है। तो ये बड़ी खुशबख्ती है कि ऐसे लोगों को औलाद औलाद देता है, औलाद के साथ जिन्होंने जिंदगी को शरीक करना है यानी कि दामाद अब हो गए वो भी अल्लाह ने उनको पाती। जहाँ तक अंजुमन का ताल्लुक है मैं जिक्र करना चाहता हूँ कितनी हिम्मत की बात है, शी इज गॉटन मैरिड, भाई तन्हाई पे क्यों बेवा कॉम्प्रोमाइज, क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, क्यों नहीं, हमारे मजहब में कहा गया है कि बेवा की जल्द से शादी करो। मैं उनको हमेशा ये कहता था, अंजुमन सुनेंगी तो आपसे बिल्कुल मानेंगी कि मैं कितनी दफा कहा था कि शादी की, तो अच्छा किया, बहुत इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुनिया से भी और जिंदगी से भी किनारा कर ले। कत्ल सर एक्चुअली राही साहब के सुल्तान राही साहब के जाने के बाद शायद वो दोबारा वो पेयर नहीं बन सका, इस वजह से वो फिल्मी बात है, असल जिंदगी तो कायम है। जी नाज़रीन हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। जी जी डॉक्टर साहब मौसीकी की बात हो जाए जो कि रूह की गज़ा है बेशक, और आज का जो मौसीकी जिस तरह की हो रही है आपको पता ही इस चीज का, हमारे यहाँ तो हर दौर में बड़े अच्छे सिंगर आए, अगर मैडम से बढ़ के तो क्यों नहीं सकता। मैं समझता मैडम के बाद एक और नेम आया था जो अब भी है नसीबो, नसीबो लाल, आजकल वो फिर दोबारा से नहीं है थोड़ा सा नहीं 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 आपको ख्याल है। सर पहली बात आपको बताऊं, सहरा में जहां कोई बागबान नहीं होता, कोई माली नहीं होता, कोई खाद डालने वाला नहीं होता, पानी देने वाला नहीं होता, वहां पे जो फूल खिलते हैं उनके रंग देखने वाले उनका बागवान वही है जो पूरा निजाम शमसी और निजाम कायनात चला रहा है मेरा मौला। ऐसे नेचुरल खुद रॉ फनकार भी होते हैं सर, अमूमन गला अल्लाह देता है, गले में सुर उस्ताद बिठाते हैं, कुछ गुलकार ऐसे होते हैं कि मेरे मौला ने उनका गला बना बनाया सुरों से लबरेज बिठा के अल्लाह पूछता है, किसी की हाजत नहीं, उस्ताद की हाजत नहीं, माली की हाजत नहीं, किसी कटाई की हालत है, नसीबो उनमें से एक गुरुकार है जिसका रेशमा बेगम उसी जमाने में थी। नसीबो जिस जुरत के साथ सुर लगाती है, जिस रेंज पे पहुंचती है, आपकी कोई और खातून गुरुकार है उसके करीब भी नहीं पहुंचती। मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ, लोग बुरा मनाए तो बुरा मनाए, नसीबो के अंदर एक दरवेश, नसीबो के अंदर एक मलंगनी है, नसीबो के अंदर एक बेपरवाह रूह है। मैंने आज तक नसीबो को किसी के खिलाफ बात करते देखे। आप नसीबों से मिले, गाना सुनना तो दूर की बात है, उसको मिलना इंतहाई पुरलुत्फ। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी इंटरेस्टिंग के अलावा सर ऐसा नहीं है, सर एक दिन स्कूल नहीं गई, कौन सा गाना है, कौन सी गजल नहीं है जो हाफसे से नहीं गाती, मुझे बताइए, और क्या उमदगी के साथ गाती। फिर सर हम ये कहते हैं कि फलाने घरानेदार है ये राग, उसको शायद रागों के नाम नहीं पता, वो
मगर सब कुछ यहाँ पर आते हैं और जब चाहे उसको प्ले करते हैं। दूसरी बात सर ये है, कितनी औरतों को उसमें जरूरत है कि वो लाइव सिंगिंग गा सकें। आप ये जितने प्रोग्राम देखते हैं, ये जो हमारी विरासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं यहाँ पे, लिप सिंकिंग सारी, और जो चाइना के तानसेन बैठे हुए यहाँ पे अपने आप को मौसीकार कहलाने पे बज़िद हैं लाख लोगों के ऊपर, एक सुर नहीं कायम कर सकते बाजे के ऊपर और अपने आप को कंपोजर कहते हैं, और फिर लाख हम जैसे लोगों पे है सुनने वाले, हम सुनने वाले हैं, वो जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं और सर हिला रहे हैं। बिल्कुल बाहर तो ये गलत किस्सा नहीं है, मगर क्या किया जा सकता है ऐसे में सर, बगैर किसी चीज के मेरे जब भी प्रोग्राम में आए हैं वो आज तक कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गाना मेरी टेप पे लगा लो। अब मैं सच बताऊं शायद जो गाना मैंने उनका सुना होता है फिल्म में, जब वो लाइव गाती हैं दो गुना नहीं 100 गुना बेहतर होकर गाती, क्योंकि उसमें जो जज्बा है उसमें। एक मैं आपको बात बताऊँ, मैडम को जिस कदर वो अकीदत के साथ गाती हैं वो भी कयामत है। अगर मैंने मैडम के बाद किसी को कलंदरी धमाल उसी अकीदत से गाते देखा है तो सिर्फ नसीब हो। और सर ये कलंदरी धमाल जैसी चीजें जो होती है ना, ये तौफीक अल्लाह दे तो उसके नबी, उसके महबूब और उसकी आल का जिक्र करना आपको नसीब होता है। अगर आपको तौफीक नहीं तो इन हस्तियों का नाम आपके आपकी जबान पे नहीं आ सकता। तो ये सर ये चुनिंदा लोग हैं, क्या मजे के लोग हैं। आप कहते हैं मौसीकी खराब होगी, अरे आज भी हमारी मौसीकी सबसे खराब है। कौन सा सिंगर जो मौजूद नहीं है, एक से होता है। अब आप उनको प्रमोट नहीं करते तो स्मॉल है। अच्छा दो नेम और एडर्स अब अगर उनका नेम लाना जरूर जिक्र ना किए इस मौके पर, तो अज़रा जहां, अरे सर जी अज़रा जहां और सायमा, और हमारी बच्ची और सायरा नसीम सर। पहले अलग अलग जिक्र करेंगे सर, सबसे पहले अज़रा जहां जी सर, बीबी अज़रा जहां से मिलना। सर आप ऐसे हैं कि जैसे अपनी किसी अजीजा शफकतों और मोहब्बतों और लताफत के साथ और ज़राफ़त के साथ, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है अज़रा जहां का। अज़रा जहां एक इतनी मजबूत फनकारा के अलावा कितनी मजबूत खातून भी है, बाहिम्मत तरीन। और सर देखिए किस खानदान का खून है, उसी कसूरी इलाके कोट मुराद खान के खानदान से ताल्लुक, जहां से मैडम मुंजा बैठा हूँ और रिश्ते में मैडम उनकी फूफी लगती हैं। और मैं अर्ज करूँ आपको, और सबसे बड़ी बात यह है अज़रा जहां और मलिका करण नूर जहां शागिर्द बहने भी हैं, एक ही उस्ताद उस्ताद गुलाम मोहम्मद कसूरी जिनसे सीखा हुआ। और मगर अज़रा ने कभी भी मैडम को कॉपी नहीं किया, अपना स्टाइल। और सर बीबी अज़रा जहां जब गाती हैं तो यकीन कीजिए अच्छे वक्त याद आ जाते हैं, गुजरे वक्त नहीं अच्छे गुजरे हुए वक्त याद आते हैं। अल्लाह को जिंदगी और सेहत दे, बहुत माशाल्लाह आला है। सुनने को मिलते ही नहीं सर, आप जब चाहे अगर देखिए उनको इज्जत के साथ बुलाइए, ऐसे तो नहीं होता है कि घर घर आके गाएंगे, नहीं भाई कमाल खातून है। और फिर सायमा जो अच्छी है, सायमा तो जेनेटिकली अजीबो गरीब एक अजूबा है, ऐसी प्यारी शख्सियत, ऐसी प्यारी आवाज, ऐसी प्यारी गायकी, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल इन दोनों बीवियों ने, यकीन इस वक्त तक हमारे यहाँ बहुत दफा एक ऐसी मिसाल मिलती है कि माँ भी गा रही है और बेटी भी गा रही है और दोनों कामयाब हैं, इनसे ज्यादा कामयाब हुई। मैं आपको थोड़ी सी माँ बेटियों को बताऊँ कि मलिका अपराज और ताहिरा सैयद गा रही है, वो फिल्मी काम ही नहीं था उनका, उनका जो काम था वो बड़ा कामयाब था, और ताहिरा को जबरदस्ती गाया जा रहा था। इन माँ बेटियों के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं, अज़रा कमाल करती हैं अपनी जगह, सायमा अपनी जगह कमाल करती हैं। और एक ही दौर में माँ बेटी का यूँ गाना, बड़ी कम मिसालें इस कामयाबी की मिलती हैं। मैं आपको याद करूँ मतलब वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी अपना सुरेंद्र कौर और उनकी बेटी डॉली भी गाती है, अमृतसर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ये बेहतरीन मिसाल है। आपने सायरा नसीम की बात की, सायरा नसीम हमारी आखिरी दौर जो था ना प्लेबैक सिंगर्स का, उनकी नुमाइंदा है। आखिरी दौर का मतलब फिल्में बात होगी, सायरा नसीम के अंदर वो खूबी है कि वो प्लेबैक कई हीरोइंस के लिए कर सकती है, उसकी आवाज़ कई सिचुएशंस के लिए सूट होता है, कई किस्म के गानों के लिए उनकी आवाज़ फिट होती है। ये मजाक नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बड़ी बड़ी गुलकाराओं को आप फिल्मी गीत नहीं गवा सकते, उनकी आवाज़ एक ही टाइप में होती है। सायरा नसीम ने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू किया, जिंदगी बड़ी मेहनत से गुजारी। और सायरा नसीम को मुतल्लिक मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे दोस्त बनाना हो पूरी इंडस्ट्री में, दोस्त मतलब जिस पर आप रिलाई कर सकें, तो वो सिर्फ सायरा नसीम। सायरा नसीम के अंदर जो कुवत है, टैलेंट जो धड़ल्ला है, धड़ल्ला टैलेंट तो नहीं सर, वो पूरा एक पूरा मर्द है कोई,
उसमें तमाम वो खूबियाँ हैं जो कि एक मजबूत इंसान में होती हैं, अपने खानदान के लिए, अपने दोस्तों के लिए और उनके लिए भी सारा जी जिनसे आप मोहब्बत करती हैं। जैसा रिवाइवल ऑफ सिनेमा हो चुका है पाकिस्तान में, दोबारा से अच्छी मूवीज भी बनना स्टार्ट होगी, आप क्या समझते हैं कि कुछ और बेहतरी की जरूरत है इसमें? अभी तक आपने यही नहीं सोचा कि आपका रोल मॉडल कौन है। आपने जो रिवाइव किया है ना वो आपका सिनेमा नहीं है। आपने सिनेमा रिवाइव कभी सोचा कि टीवी ड्रामे को लंबा कर दिया जाए? कभी आपने सोचा कि बॉलीवुड की कॉपी? आपकी तो कोई शनाख्त ही नहीं। तो शनाख्त के बगैर रिवाइव क्या किया? वही राजा कहीं रोल में नजर नहीं आ रहा सर, कहीं कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। आपने रिवाइव किस चीज को किया है? आपने नकल को रिवाइव किया। नकल जब तक असल की शक्ल नहीं लेगी तो आपकी असलियत, आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी सब चीजें क्वेश्चन मार्क करेंगे। बिल्कुल हाँ, ये मैं जरूर कहूँ, कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनी, सारी चीजों को रिडिक्यूल करना बहुत गलत बात है। मैं चल चल आपके सामने नाम लेना चाहता हूँ सर जी, प्लीज। एक फिल्म बनी मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है केक। केक पाकिस्तानी फिल्म है, आप लोगों ने देखी नहीं होगी, सिनेमा में लगी है, गजब की फिल्म। एक फिल्म बनी ऑपरेशन 021 जी जी, पर फिल्म देखकर दिल खुश हो गया। उसके बाद सर एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके दो पार्ट बन चुके हैं, जवानी फिर नहीं आ रही सर, वो भी अपनी जगह एक बहुत एंटरटेनिंग बहुत उमदा फिल्म है। एक और फिल्म का मैं जिक्र यहाँ पे जरूर करना चाहता हूँ, वो मेरे दोस्त ही हैं जिन्होंने वो बनाते रहते हैं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, नदीम बेग। वेरी गुड न्यू जॉनरा पाकिस्तानी मूवी, और देखो उसके मुकाबले में कितने कामयाब है। और मेरे ख्याल में अच्छी नीट क्लीन फिल्म बनी हुई थी। हमारी फिल्मों में बहुत बड़ी खूबी अभी आई है, हर फिल्म जो बन रही है चूँकि टी वी ड्रामे से किसी हद तक मुतासर है, तो उसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम बेरुखी कह सकें, सारी फैमिली सब लोग जाके देख सकते हैं। आखिर में एक फिल्म का जिक्र मैंने जरूर करना, एक साहब है जिनका नाम है नबील, ये बुलबुले वाले नबील नहीं, ठीक है, वो तो इंतहाई बोंगे हैं, मतलब ये कौन है सर जो फिल्म डायरेक्टर है, उनकी फिल्म थी एक्टर इन लॉ, कमाल फिल्म, फहद मुस्तफ़ा को लेकर फिल्म बनाई है, दिल खुश कर दी, दिल खुश कर दी। सर हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमारी फिल्म को अपनी शनाख्त बना दी है, स्टोरी लिख लीजिए, हमारी फिल्म को अभी तक शनाख्त का मसला है। और शनाख्त के मसले के बगैर तो पता है आपके पास आईडी कार्ड ना हो तो आप किसी जगह अपने ही मुल्क में नहीं इधर से उधर जा सकते, कैंट में भी नहीं आ सकते, नहीं सर कैंट में क्या कहीं भी नहीं जा सकते। और उसमें यह है कि जब जब शनाख्त ही नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो फिल्म कहाँ जाकर लगेगी। डॉक्टर साहब आप ज्वेलरी डिजाइनर भी? बहुत सर मुझे बहुत शौक है। और ड्रेस डिजाइनर भी? नहीं सर ड्रेस डिजाइनर तो नहीं, लेकिन ज्वेलरी में बहुत डिजाइन करते हैं। किस टाइप की ज्वेलरी आप डिजाइन? बहुत उमदा टाइप की ज्वेलरी सर, बहुत उमदा। उसमें भी ट्रेडिशंस होगी कोई? सकाफत के अलावा सबसे पहले सर आप ये सोचते हैं कि आपके मुल्क में जो स्टोन्स निकलते हैं वो कभी भी बहुत पॉपुलर ना हो सके। सवाद के जमुर्द के अलावा आपने कोई चीज़ पॉपुलराइज नहीं की। मैं उन स्टोन्स को इस्तेमाल करता हूँ जो इस मुल्क में निकलते हैं और इस्तेमाल नहीं होते और हजम में होते। ज्वेलरी अगर सिर्फ मेटल का इस्तेमाल हो, सिर्फ मेटल का, तो वो कुछ नहीं है। जो असल चीज़ें हैं उसको स्टोन को कैसे इस्तेमाल करना, और ज़ाहिर उसमें आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हैं, लेकिन उस पर गलत प्रोग्राम करेंगे ताकि आप मुझे सारे देखे मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या बनाता हूँ क्यों बनाता हूँ, मुझे बेनतहा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब बातें तो वो बहुत सारी हैं और आपके साथ एक निश्चित में नहीं हो सकती, मुझे इंटरव्यू और करना पड़ेगा क्योंकि आगे पर्सनैलिटी ऐसी है, सब बातें सर इसमें काफ़ी बातें होगी, काफ़ी बातें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, ये कुछ गुरुकारी के द्वार से या ये इंडस्ट्री के द्वार से कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं आप? सबसे मैं बड़ी उसमें कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहिए बड़े इंपॉर्टेंट सर, सबसे पहली बात ये कि मैं किताबें लिख रहा हूँ। ओके, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मुझे समझाया गया और जिन लोगों के साथ मैंने वक्त गुजारा, उनकी चीज़ें मैं पहली किताबें चला तो सरसों में आ जाएगी, फिर आप पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार किताबें हैं जिनमें आपको खुश नसाबी किताबें नहीं हैं, ठीक है, मैंने उनको फिक्शनलाइज किया है ताकि वो तमाम कहानियाँ जो मेरे सामने हुई। उसके बाद सर मैं बहुत सारे डेटा बेसिस पर काम कर रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ फनकारों के लाइफ टाइम वर्कस को कैटलॉग कर दिया गया डिजिटली ताकि आप उसको सुन भी सकें, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और आसान है सर, बहुत जरूरत। जिस सिलसिले में मैंने सबसे पहले एक काम किया है, दो बीबियाँ हैं मुझे बहुत पसंद है, एक बीबी है बालबानो साहिबा और एक मलिका फराज, उनका चूँकि काम बहुत बड़ा नहीं है तो वो करना आसान था, मगर आप ये सोच सकते हैं कि इन दोनों बीबियों ने फिल्मों में कितना गाया है,
आप मालिका को प्राज और फिल्म को नहीं एक साथ समझते नहीं मगर सर बहुत फिल्मी काम है पंजाबी गीत गाए उर्दू गीत गाए और उनका जो अपना मजहब का काम है बिल्कुल भाड़ी का मैंने बड़ी बड़ी अच्छी उनकी चीज़ें जमा की इसी तरह बीबी इकबाल बानो सर बीबी इकबाल बानो ने सबसे पहले जो गीत गाए हैं वो प्री पार्टीशन फिल्मों के लिए गाए हैं और किसी को नहीं पता बाहर तो ये करने के बाद फिर हम चाहते हैं कि भाई एक ऐसा म्यूजियम बन जाए यहाँ पे जिसके लिए मैंने यकीनन कोशिश करनी है मुझे कोई हुकूमती मदद नहीं चाहिए या कोई मैंने मांगी नहीं जो एक पाकिस्तानी फिल्म आर्काइव्स हो वो बेशक डिजिटल शक्ल में हो कोई इदारा ना हो मगर उसमें कम अज कम आप जागरूकली आप देखना चाहें कि भाई 1972 में मेहंदी हसन साहब ने कौन कौन सी फिल्म में कौन कौन सा गाना गाया आप एक क्लिप में जा देखिए या आईना मूवी में कौन सा सॉन्ग था क्या बिल्कुल सर बात ये है कि ये चीजें अब आईना मूवी का आपने जिक्र किया कुछ दिनों लोग ये भी भूल जाएंगे कि आईना का कंपोजर कौन था हालांकि उस फिल्म के कंपोजर की वजह से उसके गीत आज अमर है बिल्कुल रॉबिन घोष साहब भी आज रॉबिन घोष साहब फौत हो गए हैं कौन याद करेगा इसलिए कि बांग्लादेश हम लोग ऐसे मतलब ऐसे रीजनल लोग हैं कि अगर हमारे शहर से कोई झूठ लग रहा है तो बेवफाई की उसको भूल जाओ बाहर तो ये बातें हैं और सब अर्ज ये करनी है कि ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी भी हैं ये किसी हुकूमती इदारे नहीं की आप सब कितनी आर्ट्स काउंसिल्स हैं एक आर्ट काउंसिल है कभी एक किताब छापी हो आर्काइविंग के मुताबिक मैं मान जाओ आप ये कहें कि आपकी फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े एक्टर हैं आप कहीं जाकर कहें कि एक जगह जगह पर जाकर मोहम्मद अली साहब की तमाम फिल्मों का सेट मिल जाए नहीं हम उसको ना मुमकिन है तो ये एक ऐसा मुआशरा अपने विरसे की क्या हिफाजत करेगा जो ये सब चीज़ें एक जगह जमा नहीं कर सकता अवेलेबल नहीं कर सकता अगली जनरेशन को और विरसा का नाम जब भी आता है मुझे तो मरोड़ उठता है कि या अल्लाह विरसे के नाम पे लोग क्या क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं खुदा की कसम अल्लाह गलत करे इस लोगों को वैसे तो सारा आपका इंटरव्यू टोटल एक मैसेज था कौम के लिए स्पेशली कुछ वर्ड न्यू जनरेशन के लिए या फन के हवाले से कुछ कहना चाहें आप प्लीज मैं सर बिल्कुल सबसे पहले न्यू जनरेशन को एक बात कहना चाहता हूँ अपने दिल से खौफ निकाल दें कि पता नहीं मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा पता नहीं मैं ये करूँगा तो क्या होगा आपकी ज़ात में जितनी सलाहियतें हैं उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जिम जाते हैं तो सारा दिन बॉडी बना के ये सोचें कि आपने मॉडल ही बनना है सलाहियत दिमाग का काम है तन साजी का काम नहीं जहन साजी का काम है मेरा एक पैगाम है जितनी आजकल शहर जो मुख्तलिफ जिमनेजियम्स के अंदर तन साजी हो रही है ना काश उतनी ही जहन साजी और किरदार साजी हो फिर देखें क्या फिर सोसाइटी में एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब आपका आखिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया है इसी बात और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम की कीमत उसको स्पेंड करने पे है जिस तरह आप अपना वक्त खर्च करते हैं उतनी उसकी कीमत बढ़ती है तो अगर इस इंटरव्यू से दो लोगों को भी अगर पैगाम मिल जाए तो समझिए कि ये वक्त अपनी कीमत लगवा दे नहीं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके माशाल्लाह बहुत फॉलोअर्स हैं और वहाँ तक ये मैसेज जाएगा इंशाल्लाह स्पेशली और आप जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं और सिंगिंग के लिए कर रहे हैं उसके लिए एशियन क्रिएट टीवी और हम आपको इतनी मेहनत से आएगा मुझे बड़ी खुशी है थैंक यू डॉक्टर सो मच बड़ी मेहनत बहुत शुक्रिया अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार एक मशवरा तो दो कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो इसमें क्या खास बात है मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है मॉडल स्टील मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ